चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास हम अपना चौथा लेक्चर शुरू करते हैं, थ्योरीज वगैरह आज कुछ पढ़ते हैं। चलें जी, कल हम बात कर रहे थे टेलर फोर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने कहा जी हमारे एक बाबा जी थे, हम ऑनर्स को बेसिकली पढ़ा रहे थे और हमने कहा कि उन्होंने कहा देखो हर काम की साइंस होती है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि साइंस लगा के आपने किसी भी काम को करने का सबसे एफिशिएंट तरीका जो है वो ढूंढ लेना, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि आप जो अपने वर्कर ढूंढने हैं ना उस काम को करने के लिए, वो भी साइंटिफिकली सिलेक्ट कर लें, मतलब अच्छे तरीके से छानबीन करके, और उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा वर्कर जो है वो किस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, उसके बाद वो किस कैलिबर का बंदा है। तो सारा कुछ साइंटिफिकली करके आपने वर्कर्स भी साइंटिफिकली सिलेक्ट करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि भाई साइंटिफिकली आपने काम को करने का कोई अच्छा तरीका ढूंढना है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने साइंटिफिकली अच्छे तरीके से कोई अच्छे अच्छे वर्कर ढूंढने हैं। तीसरा स्टेप क्या था कि भाई आप वो जो आपने साइंटिफिकली तरीके से एक अच्छा सा काम करने का तरीका ढूंढा था उसके ऊपर आप अच्छे अच्छे जो आपने वर्कर ढूंढे थे उसको लगा दें। तीसरे स्टेप पे आप काम और वर्कर को इकट्ठा कर देंगे और फिर चौथे स्टेप पे आपको एफिशिएंसी नजर आ जाएगी, मतलब फिर आप एफिशिएंसी आपको काम में नजर आएगी, आपको एफिशिएंसी वर्क में नजर आएगी, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी में एफिशिएंसी नजर आएगी और इसी तरह प्रोडक्ट क्वांटिटी में भी आपको एफिशिएंसी नजर आएगी। उसके बाद उसने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर ज्यादा एफिशिएंसी शो करें तो आप उनको रिवार्ड दे दो, उनको हाई पे करो, उनको वेजेस अच्छे करो, उनको बोनसेस वगैरह दो। और इसी तरह अगर आप चाहते हो कि भैया जी जो वर्कर हैं वो डीमोटिवेट ना हो तो आप उनके दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क रखो, मतलब काम जो हो वो वर्कर्स और मैनेज के दरमियान इक्वली डिवाइड होना चाहिए ताकि वर्कर जो है वो डीमोटिवेट ना हो ये सोच के कि भाई हमें रगड़ी जा रहे हैं, इसके अलावा तो और काम हमारे से कराया नहीं जा रहा, सारा काम हम ही कर रहे हैं, मैनेजमेंट तो बैठ के इंजॉय कर रही है। तो लिहाजा ये थे चार या फोर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो की पॉइंट है, या तो टाइलर के वो फोर प्रिंसिपल कह सकता है या कह सकता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये दोनों नाम एक ही थ्योरी के हैं, क्वेश्चन में आपने इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को ढूंढना होगा, जो पॉइंट आपको मिल जाए बेटा वो आपका क्वेश्चन होगा। तो लिहाजा टाइलर साहब ने क्या बताया, उन्होंने कहा चार बातों का ख्याल रखना। सबसे पहले काम जो है जुगाड़ वाले तरीके से नहीं करना कि भाई काम आया तो अन्य वहां शुरू हो जाओ बस। उसने कहा कि देखो काम को करने की साइंस होती है, तो आप एक काम को करने के चार पांच तरीके निकालें और फिर उनमें से सबसे बेस्ट तरीका ढूंढें। फिर वो जो सबसे बेस्ट तरीका ढूंढा है उसके ऊपर आपने वो वर्कर लगाने हैं जिनको आप केयरफुली सिलेक्ट करें, मतलब वर्कर भी बाकायदा साइंस से सिलेक्ट करने हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर सूटेबल हों काम के लिए। तो लिहाजा साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर और साइंटिफिकली अडॉप्टेड वर्क मेथड को इकट्ठा कर देंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगी भाई। अगर आप उस एफिशिएंसी को मजीद बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे भाई, आप उनको रिवार्ड वगैरह देना शुरू कर दें, और अगर आप चाहते हो कि वर्कर डीमोटिवेट ना हो तो भैया उनके दरमियान इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क रखो। क्लियर है बच्चे ये थ्योरी? शुएब बच्चे क्लियर है, आवाज ठीक आ रही है? आवाज कट रही है, मेरी आवाज कट रही है? चले एक मिनट रुके, मैं नेट रिस्टार्ट कर लूं। हाँ जी बेटा अब आवाज ठीक है? जी सर आवाज ठीक है। ओके गुड हो गया। तो लिहाजा बेटा ये वो थ्योरी है जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी, चार स्टेप बताए। पहला स्टेप मैंने उसको सब पॉइंट्स में आगे डिवाइड कर दिया है, एग्जाम में भी आंसर आपने हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में एग्जाम में आंसर नहीं लिखना, हमारी अंग्रेजी वैसे पूरी सूरी होती है ठीक है, और जब हम उसमें पैराग्राफ लिखते हैं तो और ही बेड़ा कर देते हैं उसका। तो लिहाजा पहला पॉइंट क्या है, वो कहता है जी वर्कर जो है वो
काम करने का जो तरीका है वो साइंटिफिकली सिलेक्ट करें, मतलब चार पांच अच्छे से तरीके निकालें और उसमें से जो बेस्ट तरीका उसको हमको करने का वो निकालें। फिर उसके बाद जो वर्कर है कहता है वो भी साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, मतलब अच्छे तरीके से ट्रेन करके एक सूटेबल वर्कर जो है जितनी जो ट्रेंड हो, जो ग्रूम्ड हो, जो जिसको वो काम आता हो वो सिलेक्ट करो। अब उस वर्क मेथड के ऊपर जो सबसे एफिशिएंट था उसके ऊपर साइंटिफिकली ट्रेंड वर्कर को लगा दो, तो इससे आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर आप उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो तो भैया आप उनको रिवार्ड दे दो, अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज डीमोटिवेट ना हो तो भैया उनके दरमियान इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क रखो। तो ये थी टायलर फोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ आ गई बात बच्चे? अब जाहिर सी बात है भाई, इसकी फुफो थी और फुफो के बेटे थे, तो कहाँ पे खुश हो सकते थे फुफो के बेटे कि भाई टायलर जो है इतनी बड़ी थ्योरी दे गया। तो इन्होंने क्या किया, उसमें से कीड़े निकाले जिसको हम कहते हैं क्रिटिसिज्म। तो लिहाजा बेटा जब भी थ्योरी आए तो आपने क्रिटिसिज्म साथ में मस्ट प्रोड्यूस करना है। क्रिटिसिज्म में उसकी फुफो के बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो भैया जी अभी तक ये पुराने दौर की बातें कर रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ये कहते हैं कि जी सारा जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है ना वो मैटर भी सिर्फ काम और काम और काम पे करती है, मतलब लोगों को तो कहीं पे देखा नहीं जा रहा कि भाई लोग जो है वो सिर्फ रिवार्ड से मोटिवेट नहीं होते, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी मामला अच्छे होने चाहिए। तो लिहाजा ये क्या कहता है, वर्क स्टडी एंड टाइम मोशन स्टडी के साथ है कि भाई काम काम काम, इंसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। दूसरे नंबर में क्या होता है कि भाई यहाँ पे हमने कहा कि एक शख्स एक ही तरह का बार बार काम कर रहा है, स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पे डल काम होता है, बार बार एक ही काम जो होता है वो लोगों को परेशान करता है। इसी तरह इसमें हमने ये कहा कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। टायलर ने क्या कहा था शुरू में, हमने दो तीन तरीके निकाले थे एक शर्ट को सीने के, तो हमने कहा था कि छोटे छोटे पार्ट जो है वो चारों लोगों को दे दो तो ज्यादा जल्दी सी लेंगे, बनिस्बत इसकी कि पूरी शर्ट एक ही बंदे को दे दो। तो लिहाजा उसने कहा कि देखो बाज़ुकात ऐसा होता है कि एक उस्ताद बंदा, उसको कहा जाए कि सिर्फ तुमने कॉलर बनाना है, एक उस्ताद टेलर है जो कहता है कि जनाब जी मेरी जैसी सिलाई कोई नहीं कर सकता, आप उसे कह दे कि भाई पूरी सिलाई तुमने नहीं करनी, तुम सिर्फ कॉलर बनाते रहो, तो इससे वो डीमोटिवेट हो सकता है, इतने छोटे टास्क को करते वक्त वो डीमोटिवेट हो सकता है। तो लिहाजा ये चार कीड़े जो हैं वो निकाले गए। और उसके बाद उसने कहा कि जब इंप्लॉयज डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी लो होने का खतरा होता है, क्यों, डीमोटिवेटेड भी है, डल काम भी है, रिपीटेटिव काम भी है, इसके बाद सिर्फ काम के ऊपर फोकस है, बंदों का तो ख्याल ही नहीं किया जा रहा भाई। तो भाई टायलर की फुफो के बेटे ने जो कीड़े निकाले क्रिटिसिज्म की, उसने चार मसले निकाले। उसने कहा कि देखो पहले नंबर पे ये पुराने दौर की बातें कर रहा है, सिर्फ काम की बातें कर रहा है, इंसानों का तो सोच ही नहीं रहा, इसके अंदर तो इंसानियत ही मर गई है। उसके बाद ये जो काम कर रहा है कि भाई हर बंदा बार बार एक ही काम करता रहा, डल काम है, रिपीट होता हुआ काम है, लोग इससे परेशान हो जाएंगे। इसी तरह वो कहता है कि भाई इसने कहा टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो इससे उस्ताद बंदा उसको कहा जाए कि सिर्फ छोटा सा काम करो तो वो तो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि एम्प्लॉयज एफिशिएंट होने के बजाय ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। क्रिटिसिज्म क्लियर है बच्चे? जी सर क्लियर है। ओके, यहां तक तो हमने ऑनर को समझाया, हमने क्या क्या समझाया ऑनर को, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी उसको, हमने मैनेजमेंट के प्रोसेस के स्टेप्स बताए, हमने उसको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताया, हमने उसको अच्छी मैनेजमेंट की स्किल्स बताई, हमने उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बता दी। अब हमने ऑनर को कहा कि देखो यार आप मैनेजमेंट लेके आओगे, अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात है। वो कहते यार देखो जो अच्छी मैनेजमेंट होती है ना उसके कुछ रूल्स होते हैं, इंसान दुनिया में अच्छा वही लगता है जो मैन ऑफ प्रिंसिपल हो, मैन ऑफ ऑनर हो। तो अपनी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल डिफाइंड करना। ऑनर कहता है भाई वो क्यों? हमने कहा देखो यार सारे बिजनेस को तो करेगी मैनेजमेंट कंट्रोल। वो कहते हैं जी बिल्कुल। कहते हैं मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? हमने कहा यार ये बात तो आपकी ठीक है, ये भाई मैनेजमेंट को कंट्रोल कौन करेगा? तो हमने कहा कि आप ही तो करोगे। वो कहता है यार मैं सारा दिन कैसे ऑफिस में बैठ के मैनेजमेंट कंट्रोल करूं, अगर मैंने यही कुछ ही करना था, खुद ही करना था, तो फिर मैं मैनेजमेंट लेके क्यों आया? हमने कहा नहीं 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 आप ऐसा करो, आप कुछ प्रिंसिपल्स बना दो और मैनेजमेंट को कहो कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। जब वो प्रिंसिपल्स सारे के सारे फॉलो कर लेगी तो वो आपकी एक अच्छी मैनेजमेंट कहलाएगी। हमसे पूछा उसने जिसका फायदा क्या होगा? हमने कहा यार कमाल करते हो, एक तो मैनेजमेंट कंट्रोल में रहेगी, एम्प्लॉयज खुश रहेंगे,
काम पे टाइम पे चीजें टाइम पे हो जाया करेंगी, और इसके अलावा कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन भी शो नहीं होगी, कोई बाइसनेस शो भी नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए काम होगा और आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग भी मिल जाएगी। बात तो अच्छी है, कौन से प्रिंसिपल बनाओ मैनेजमेंट के? हमने कहा हाँ, यहाँ पे हमारा एक बाबा था, उसका नाम था फेयर। वो कहता ये वही नहीं था जिसने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी थी? हमने कहा जी बिल्कुल वही बंदा है। इसने क्या कहा? हमने कहा जी वो 14 प्रिंसिपल दे के मरा है। अच्छा, आपने कहा जी उसने 14 प्रिंसिपल दिए। अब बेटा इसकी हेडिंग में 3 की पॉइंट्स हिडन है, फेल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट। 3 की पॉइंट है, इन तीनों में से कोई भी वो की पॉइंट यूज करके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो लिहाजा हर थ्योरी के की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि वो किस नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब भी क्वेश्चन आए आपने वो की पॉइंट ढूंढना है कि हाँ भाई ये वर्ड मिल गया तो इसकी वो थ्योरी होनी है। जरूरी नहीं कि वो नाम दे दे, वो कह सकता है कि फेल के प्रिंसिपल बताओ, वो कह सकता है 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बताओ, वो कह सकता है प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट बताओ, वो ये भी कह सकता है जस्ट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ। तो ये चारों पांचों नाम एक ही थ्योरी के बनते हैं। तो लिहाजा हमने ऑनर को समझाया कि देखो भाई फेल था, वो हमें 14 प्रिंसिपल दे के भरा। वो कहता है कि अगर कोई भी मैनेजमेंट ये मेरे 14 जो मेरे क्या कहते हैं कुलिये हैं या मेरे नुस्खे हैं इनको फॉलो कर लेगी तो वो अच्छी मैनेजमेंट बन जाएगी। हमने कहा जी कौन कौन से 14 प्रिंसिपल हैं? वो कहते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए। यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क से मुराद ये नहीं है कि इक्वल डिवीजन होनी चाहिए मैनेजमेंट के और एम्प्लॉयज के दरमियान, बल्कि वो कहता है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि जब भी कोई टास्क आए, कोई प्रोजेक्ट आए या कोई काम आए उसको छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर दे और फिर इम्प्लॉयज को दे दे, ताकि इम्प्लॉयज जो है वो एक ही काम बार बार करें तो जिससे वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा सबसे पहले उसने कहा डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि भाई अथॉरिटी होनी चाहिए। जाहिर बात है मैनेजमेंट के पास कोई मॉरल सपोर्ट तो होती नहीं कि लोग उसकी बात माने, कोई भाई अबू तो नहीं लगे हुए ना कि वो ऑर्डर देगी अब हम बात मानेंगे उसकी। उनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो ऑर्डर दे सके इम्प्लॉयज को, ताकि वो उनसे काम निकलवा सके। अगर मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है तो भैया वो वर्कर से काम कैसे कराएंगे, इम्प्लॉय से काम कैसे कराएंगे? तो लिहाजा दूसरे नंबर पे आपने मैनेजमेंट को अथॉरिटी देनी है। तीसरे नंबर पे आपने मैनेजमेंट को बाउंड करना है कि वो डिसिप्लिन शो कराएगी, मतलब एम्प्लॉयज वगैरह सारे ऑर्डर में होने चाहिए, साफ प्लेस होनी चाहिए, चीजें क्लीन होनी चाहिए, हर चीज अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट को करना होगा। उसके बाद वो कहते हैं चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। तो ये क्या होता है? हमने कहा कि देखो यार बाजुकात ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आप फॉर्म में जाएंगे ना आपको पता चलेगा वहाँ पे खुशामदी लोग होते हैं, खुशामदी टोले होते हैं, तो वो पार्टनर से ज्यादा वो पार्टनर होते हैं। बाजू का तो फ्रंट डेस्क वाले जो होते हैं वो पार्टनर से भी ज्यादा उनकी अथॉरिटी होती है। तो क्या होता है कि एक ही बंदे को तीन लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं, मैनेजर कहता है ये करो, पार्टनर कहता है ये करो, एक खुशामदिया कहता है ये करो, तो बंदा कंफ्यूज ही रहता है एम्प्लॉय करना मैंने क्या है, बेसिकली रिपोर्ट किसे करना है, मुझे ऑर्डर देना किसने है, मैंने ऑर्डर फॉलो किसका करना है, जाहरी बात है वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो हमने उसे कहा कि आप यूनिटी ऑफ कमांड रखेंगे, मतलब एक ही जगह से ऑर्डर आएंगे और एक ही वक्त में इम्प्लॉयज जो है वो एक ही शख्स को रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5-7 बंदे एक ही शख्स को ऑर्डर दे रहे हो, हर कोई अबू लगा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। और कहते ये क्या? कहते देखो भाई जो डिसीजन जहां से आएंगे और जहां से इंफॉर्मेशन मूव करेगी वो एक ही पैटर्न होना चाहिए, और इसी तरह तमाम लोगों के लिए एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि मैनेजर्स को आप प्रायोरिटी दें या चाचे मामे फूफी के बेटे जो हैं वो एंजॉय करते रहें हाई स्टेटस, एम्प्लॉय बेचारे काम कर करके रगड़ते रहे, उनकी प्रमोशन ही ना हो, उनके लिए और सिस्टम हो, उनके लिए और सिस्टम हो, तो पाकिस्तान वाला सिस्टम ही होना चाहिए, अमीर गरीब वाला। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, हर बंदे के लिए एक ही एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, सिंगल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, तमाम लोग एक ही पैटर्न पे काम करें, एक ही रूल्स को फॉलो करें, सबके लिए एक ही प्रिंसिपल अप्लाई होने चाहिए। उसके बाद उसने कहा छठा प्रिंसिपल दिया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या कहता है वो
इसमें कहते हैं कि देखो भाई सीधी सी बात है कि जो मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल पब्लिक की वाट ना लगा दे, मतलब जहाँ पे ज्यादा लोगों का फायदा है वहां पे माइनॉरिटी को कंप्रोमाइज करना चाहिए, किसी एक बंदे के फायदे के लिए सारों को रगड़ा नहीं लगाना चाहिए। तो लिहाजा जनरल लोगों पब्लिक जो है उसका इंटरेस्ट प्रवेल करना चाहिए किसी एक स्पेसिफिक बंदे के उस इंटरेस्ट से। किसी एक मैनेजर को फायदा हो रहा है बाकी सबको नुकसान हो रहा है, तो मैनेजर ये ना कहेगा जी मेरा फायदा तो मैं तो ये करूंगा बाकी भाड़ में जाए, नहीं, जहां पर ज्यादा लोगों को फायदा होगा वहीं पर वही काम होना चाहिए। इस तरह उसने कहा रेम्यूनरेशन, कि जो वर्कर्स हैं उनको फेयर रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी फेयर होनी चाहिए, वेजेस फेयर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भैया उनसे आप काम करवाएं और 12,000 स्टाइपेंड देते उनको महीने के एंड पे, तो ये बात गलत है, जितना काम कराएं उतना आप उनको पे करें। और इस तरह सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट हैं वो किसी हद तक आपकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, मतलब जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है अपर मैनेजमेंट, वो इम्प्लॉयज को सबऑर्डिनेट को भी किसी हद तक इन्वॉल्व करे बीच में। क्यों? बाज़ुकात इम्प्लॉयज के पास ज़्यादा बेहतर आइडियाज होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज का उन्हें ज़्यादा पता होता है, के पास ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है, तो लिहाजा उनको इन्वॉल्व करना चाहिए सेंट्रलाइजेशन। उसके बाद उसने कहा स्केलर चेन होनी चाहिए कि भाई डिफाइन होनी चाहिए हायरार्की, कि ऑर्डर हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे, इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज जो है वो मैनेजमेंट को ऑर्डर दे रहे हो, नहीं, स्केलर चेन हो, सिंगल डायरेक्शन हो कि भाई कहाँ से ऑर्डर नीचे आना है, कहाँ से इंफॉर्मेशन ऊपर जानी है। उसके बाद उसने कहा कि भाई ऑर्डर होना चाहिए, मटीरियल, लोग, प्लेसेस, हर चीज, कंपोनेंट्स वगैरह एक ऑर्डर में मौजूद होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। उसके बाद उसने अगला पॉइंट दिया कि भाई इक्विटी, तमाम एम्प्लॉयज के दरमियान इक्विटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके चुच्चे क्या कहते हैं फूफी, चाचू, मामा, ताया, उसके बच्चे हैं वो ज़्यादा इंजॉय करते रहें, उनको ज़्यादा कम बर्डन मिले काम का, और जो बेचारे क्या कहते हैं आम वर्कर्स हैं उनके ऊपर बर्डन ही बर्डन डाला जाए। उसके बाद उसने कहा कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, के जो क्या कहते हैं पर्संस होते हैं उनका टेन्योर सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं या जो वर्कर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ज़्यादा अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन में चलें, ऐसा ना हो कि वो आए 6 महीने साल का एक्सपीरियंस लें और निकल के भाग जाए, फिर आपको नए बंदे हायर करने पड़े, उनको फिर से अपना कल्चर सिखाना पड़े, फिर से उनको ट्रेनिंग देनी पड़े, फिर से उनको काम करने का तरीकाकार सिखाना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव होने चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को आप बाउंड करें कि अगर कोई इम्प्लॉयज अच्छा आइडिया लेके आता है, अच्छा इनिशिएटिव लेके आता है, तो भैया उसको फुलफिल करें, उसको फॉलो करें, ये ना कहें कि भाई तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि भाई मैं नया आइडिया ले रहा हूँ, तुम तो इम्प्लॉय हो, मैं मैनेजर हूँ, तुम होते कौन हो नए आइडियाज लाने वाले, होते कौन हो मशवरे देने वाले मुझे, तुम्हारी औकात क्या है। बेटा फॉर्म में आप जाएंगे ना ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, आपके पास कोई शॉर्टकट होता है काम करने का, आपके पास तरीका होता है, जब आप मैनेजर को बताएंगे तो मैनेजर कहेगा उसे पता होगा कि ये काम इस तरीके से हो जाएगा, उसे ये भी पता होगा ये काम इस तरीके से बेहतर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहेगा कि भाई जिस तरह मैंने कहा ना तुम उस तरह करो, अपनी साइंस ना कराओ, तो वो अच्छा खासा एक मोटिवेटेड बच्चा जो है उसकी वाट लग जाती है, वो बेचारा फिर आगे उसका कॉन्फिडेंस ही बैठ जाता है सारी जिंदगी, वो आगे कहीं पर कुछ कर भी नहीं सकता। तो लिहाजा कभी इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेना फॉर्म में जाके कि आप कोई पॉइंट लेके गए, आप कोई इनिशिएटिव लेके गए मैनेजर के पास और मैनेजर ने कह दिया कि भाई तुम होते कौन, जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे काम करो, ये उस्तादों का तरीका है काम करने का, ये गलत अप्रोच होती है उनकी। लेकिन बहरहाल आपको इसे दिल पे नहीं लेना, प्रोफेशनल लाइफ को आपने प्रोफेशनल रखना है, घर में नहीं लाना, पर्सनल लाइफ में नहीं लाना, नहीं तो बेटा आप अपनी सेहत ख़राब कर लोगे, उनका क्या है, उन्हें फिर से एम्प्लॉय मिल जाएगा, आप भी तो एम्प्लॉय मिले थे ना उन्हें, तो लिहाजा कभी इस चीज़ को सर पर नहीं चढ़ाना। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है एस्पर डी कॉप्स, क्या मतलब कि जो लोग हैं उनके अंदर टीम वर्क की क्वालिटी पैदा करें मैनेजमेंट, ताकि वो लोग मिलजुल के काम करें, एक दूसरे के साथ हेल्प करके काम करें, ऐसा ना हो कि भाई हर बंदा जो है वो मैन आर्मी बनाओ, हर बंदा जो है वो अपना ही बस खैची पड़ाओ काम, किसी को कुछ सिखा ही ना रहा हो, किसी को करीब ही ना आने दे, इससे दो तीन नुकसान हो गए। पहले नंबर पर तो भाई बाकी वर्कर ट्रेन नहीं होते, फॉर्म में ये भी होता है बच्चे, ये सारी हमारी प्रैक्टिकल है, BMBS टोटल प्रैक्टिकल, तो आप फॉर्म में जाके देखेंगे कि आपको कुछ मैनेजर ऐसे हैं किसी के साथ अगर आपका
क्या कहते हैं वो कांटा शुरू हो जाता है ना, इटकनक्का शुरू हो जाता है, वो आपको काम नहीं सिखाता, वो देता ही नहीं है काम, आपको खुद ही करना शुरू करता है, सारा कुछ खुद ही करता रहता है, आपको ज्यादा से ज्यादा वो टाइपिंग दे देता है या आपको फॉर्मेटिंग दे देता है। तो इससे क्या होता है, इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। भाई जो काम अगर दो बंदों को वो नीचे डेलीगेट कर देगा वर्कर को सिखा के, तो वो अपना काम और ज्यादा कर सकता है, जो छोटा काम है वो जूनियर कर लेगा। अगर जूनियर के काम भी खुद करोगे तो भाई एफिशिएंसी तो खत्म होगी होगी। तो लिहाजा टीम वर्क की स्पिरिट होनी चाहिए, लोग मिलके काम करें एक दूसरे के साथ, ऐसा ना हो कि भाई क्या कहते हैं वहां पे राइवलरी चलती रहे, सियासत चलती रहे और लोग काम ना करें। तो ये 14 प्रिंसिपल जो है ये हमें फेउल साहब ने दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ये 14 प्रिंसिपल अप्लाई कर लेती है तो वो एक अच्छी मैनेजमेंट समझी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंट मैनेजमेंट समझी जाएगी, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली अचीव होगा और इसी तरह लोग जो हैं वो उनके काम में एफिशिएंसी आएगी। क्लियर है बेटा 14 के 14 प्रिंसिपल? जी सर क्लियर है। शाबाश। उसके बाद हमने अब मैनेजर उठने लग गया, ऑनर जो था हमारे सामने ही बैठा था ना भाई, हम ऑनर को ही पढ़ा रहे थे, तो ऑनर कहते चले जी अब मैं जाता हूँ और मैनेजमेंट लेके आता हूँ। हमने कहा यार देखो ऐसी बात नहीं होती। वो कहते क्या मतलब? हमने कहा जी आप जाते हो कहीं पे फ्रिज लेने, तो वहाँ पे दो कंपनी, एक डॉलेंस है और एक कोई ऐसी पाकिस्तानी कंपनी है, आप किसका फ्रिज लोगे? बिल्कुल हम डॉलेंस का फ्रिज लेंगे। तो भाई क्यों? डॉलेंस आपकी फूफी का बच्चा है उसका फ्रिज लोग? कहता नहीं वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा ये चीज हमने उसे बताया कि यही बात हमने भी आपको समझानी है। वो कहता क्या मतलब? हमने कहा अभी तक हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट की, भाई अच्छी मैनेजमेंट क्या होगी, उसे कौन से प्रिंसिपल देने हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होगी वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम आपको बताने चले कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, हाँ ये भी कोई चीज होती है। हमने कहा भाई जाहिर सी बात है आपने अभी खुद कहा डॉलर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे क्यों कहा? कहता यार उनका काम अच्छा होता है, उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है और वो एक काफ़ी अरसे से चलती ऑर्गेनाइजेशन है, उसके और भी सोशल प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे, तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना भाई। हमने कहा कि भाई वो गुडविल का पैसा खा रही है ना बैठ के, बिल्कुल। तो हमने कहा कि आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनानी पड़ेगी, आपको भी लोगों की नज़र में अच्छा बनना पड़ेगा, तब ही लोग आपसे चीज़ें खरीदेंगे। अच्छा हमने कहा जी बिल्कुल। वो कहता अच्छा मुझे बताओ फिर मैं कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बनाऊं? हमने कहा जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल बना दो। वो कहता यार अभी तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए थे। हमने कहा जी वो एक अच्छी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे, उसका आपको इंटरनली फायदा होना है, एक्सटर्नली फायदा आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना के होना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग प्रिंसिपल है। कहता यार वो कौन से? हमने कहा हाँ यहाँ पे भी हमारा एक बुजुर्ग था। कहता यार एक तो ये तुम्हारे बुजुर्ग लड़ गए, इतने बुजुर्ग हैं तुम्हारे, इतने बाबे हैं, उनकी थ्योरियां पढ़ पढ़ के हम पागल हो रहे हैं, मैं तो सुन सुन के पागल हो गया हूँ, आपने पता नहीं पास कैसे की। हमने कहा जी भाई आखिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मजाक थोड़ी है, इतना रट्टा तो हमारा होता ही होता है। तो हमने कहा जी हमारे एक बाबा जी हुआ करते थे लंडन और उन्होंने 10 प्रिंसिपल दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये 10 प्रिंसिपल फॉलो करती है तो वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन समझी जाएगी, अपने इंटरनल लोगों के सामने भी और बाहर की दुनिया के नजरों में भी। तो लिहाजा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लैंडल ओरबिक जो था उसने कहा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 10 प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 प्रिंसिपल कौन सी हैं भाई, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसे वो अचीव कर रही है। मिसाल के तौर पे जो एनजीओ होती है उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। इस तरह अगर आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने इस साल में अपनी 10% एफिशिएंसी शो करानी है, हमने इस टाइम मार्केट को लीड करना है, हमने अपने कंपेटिटर को बिछाड़ के रख देना है। ये बेटा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरे नंबर पर हमने कहा, उसने कहा कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब वही डिविजन ऑफ वर्क जो हमने पीछे फेउल के प्रिंसिपल में पढ़ी कि जो लोग हैं जो मेंबर्स हैं काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के वो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, मतलब एक ही काम एक शख्स को दिया जाए ताकि वो बार बार करते करते उस पर स्पेशलिस्ट हो जाए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए,
मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य डिपार्टमेंट आपस में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रखें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से गपशप करें, एक दूसरे को अच्छे तरीके से मॉनिटर करें ताकि ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस रहे। उसके बाद हमने कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए कि भाई सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, किस ऑनर के पास है या मैनेजमेंट के पास है, और मैनेजमेंट का सीईओ कौन है। तो लिहाजा अथॉरिटी डिफाइंड होनी चाहिए। देखो बेटा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला काफी सारे कॉपी पेस्ट है, सेम चीजें हैं, बस इसके अंदर तीन चार पॉइंट है जो डिफरेंस है ऊपर की निस्बत, बाकी दोनों थ्योरी सेम है। उसके बाद हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब यह है कि बेटा जिस शख्स के पास अथॉरिटी होगी वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा। ऐसा नहीं है कि एक शख्स के पास अथॉरिटी ही नहीं है लोगों को मैनेज करने की और आप उसे बुला के पूछ रहे हो कि जी आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक क्यों हुई, तुम क्या कर रहे थे, तुम अंधे थे। बता कहे सर जी मैं उनको रोक कैसे सकता था, मेरे पास अथॉरिटी कौन सी थी। तो लिहाजा जिस बंदे के पास अथॉरिटी होगी रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर है वो फुफी का बेटा है, उससे कोई गलती हुई है उसे छोड़ दो, नीचे वाले वर्कर्स को पकड़ लो, अभी तुम क्या कर रहे थे उस वक्त, ये तो कर रहा था ठीक है, तुम क्या कर रहे थे। उसके बाद बेटा डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब हर पोजीशन हर जॉब डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर बंदा नया है उसको जीरो से सिखाना पड़े, बल्कि आप क्या करें कि हर जॉब की डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन लिख के रख लें, जो भी शख्स है उसे वो मैनुअल पकड़ा और कहीं बैठ के ये काम करो। हर पोजीशन डिफाइंड हो कि किसी पोजीशन पे बैठा शख्स उसके कौन कौन सी अथॉरिटी हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सा उसका सर्कल है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसने काम क्या करना है और किस तरीके से करना है। और फिर उसके बाद कोरेस्पोंडेंस होनी चाहिए, मतलब जिस शख्स की जितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उतनी ही अथॉरिटी हो। एक ऐसा शख्स जिसके पास अथॉरिटी थोड़ी सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन की है, हर चीज़ के लिए वो जवाब दे रहा होता है, जिस तरह की ट्रेनिंग अथॉरिटी हमारी क्या होती है, कुछ भी नहीं, जवाब क्या देना होता है, हाँ जी टाइम पे क्यों नहीं हो रहा, बच्चे बाकी लेट क्यों आ रहे हैं, और चाय टाइम पे क्यों नहीं मिली, फोटोकॉपियां क्यों नहीं हुई, हमारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं हुई पड़ी, हमारा इस बार ऑडिट फेल क्यों हो गया है, लेट क्यों हो गया है, टाइम लिमिटेशन क्यों फॉलो नहीं हुई। मैं खुदा के बंदे उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो लिहाजा जितनी जिस शख्स की अथॉरिटी हो उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये कोरेस्पोंडेंस कहलाता है। उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद होता है बेटा कि एक शख्स एक ही वक्त में कितने लोगों को डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। स्पैन फैलाव, कितना फैला हुआ है, कंट्रोल कंट्रोल मतलब एक शख्स का कंट्रोल कितना फैला हुआ है, मतलब एक शख्स डायरेक्टली कितने लोगों को एट अ टाइम सुपरवाइज कर रहा है। तो भैया जी लेंडल ओरबिक साहब ने फरमाया कि एक शख्स जो है वो एट अ टाइम 6 लोगों से ज्यादा को कंट्रोल नहीं करेगा या सुपरवाइज नहीं करेगा, मैक्सिमम 6 लोग। और उसके बाद नौवां प्रिंसिपल बैलेंस, ये तमाम डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट को आप सारे रिसोर्स दे दें, दूसरे भूखे मार रहे हो। एक डिपार्टमेंट में आप पैसा, रिफ्रेशमेंट, आसानी, छुट्टियां सब कुछ मौजूद हो, दूसरे तबका भूखा मार रहा हो और 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम भी कर रहा हूँ। मैनेजर जो है सुबह 9 बजे आए, शाम को 5 बजे चले जाएँ, ट्रेनी बेचारे रात 12-12 बजे तक बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, मतलब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे चाहिए कि वो मुसलसल काम करती रहे, ये ना हो कि एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए, नहीं, कॉन्टीन्यूस काम होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट आने चाहिए, नए नए आइडियाज आने चाहिए, नई नई मार्केट होनी चाहिए, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये 10 प्रिंसिपल फॉलो कर लेती है तो वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, दुनिया की नजर में भी और अपने अंदर के लोगों के नजर में भी। समझ आ गई बेटा? जी सर समझ आ गई। तो लिहाजा 14 प्रिंसिपल हमने पढ़े अच्छी मैनेजमेंट के, जो कि फ्योर ने दिए, 10 प्रिंसिपल पढ़े हमने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि लिंडल ओरबिक ने दिए। दोनों क्लियर है? जी सर क्लियर है। चले बेटा, अच्छा ब्यूरोक्रेसी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, आज हम करते हैं थ्योरी एक्स एंड वाई, तीसरी थ्योरी मैं क्या करेंगे। अच्छा जी, अब ऑनर को हमने इतना कुछ बता दिया, ऑनर कहता जी भाई अच्छा मैं मैनेजमेंट लेने जा रहा हूँ, हमने कहा जी अच्छी बात है, शौक से जाओ ले आओ, और फिर मैनेजमेंट को ये भी सिखा देना कि लोगों को डील कैसे करना। वो फिर सर पकड़ के बैठ गया, कहता यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे कैसे पता है, मैं मैनेजमेंट को क्या सिखाऊं,
कि भाई उसने कैसे लोगों को डील करना है, ये तो तुम सिखाओगे। हमने कहा सर जी अगर सारा कुछ हम ही मैनेजमेंट को सिखाएंगे तो आपकी क्या वैल्यू रहेगी, कुछ ना कुछ आप भी तो सिखाए ना उन्हें, सिर्फ पैसा देंगे आप उन्हें, वो तो कहेंगे यार हमारा तो ऑनर है ही बेला, उसे तो कुछ आता ही नहीं। वो कहते यार ये बात तो आपकी ठीक है, मैनेजमेंट तो मुझे लाइट ले लेगी। हमने कहा इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप खुद कुछ सीख लें पहले, फिर जब आपकी मैनेजमेंट आएगी आप उसे जाके सिखा देना। वो कहते यार ये अच्छी बात है सिखाओ मुझे। हम कहते जी लाओ फीस। वो कहते यार ठीक है मर क्यों रहे हो, इधर ही बैठा हो ना, मैं फीस आपको दे के जाऊंगा। हमने फिर छोटे को आवाज दी, छोटे एक कप चाय और, ये हमारा तीसरा चाय का कप चल रहा है आज। अच्छा जी चाय का कप आ गया, वो बैठ गया। हमने कहा देखो जी जब मैनेजमेंट लेके आओ तो उनको बता देना कि लोगों को डील कैसे करना। वो कहता जी कैसे बताऊं, कैसे लोग होते हैं मुझे क्या पता लोगों की क्या टाइप्स हैं। हमने कहा कि देखो हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते, पता नहीं एम सी ग्रेगर है या मैक्रेगर है जो भी है, वो उन्होंने हमें लोगों की दो कैटेगरीज बताई थी। कहता यार ये तुम्हारे बाबे सारे इंजीनियर्स थे। तो भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आखिर हमारे बाबे आम तो नहीं हो सकते। तो उसने कहा जी बोलो उसने क्या कहा था। हमने कहा उसने दो तरह के लोग डिफाइन किए, उसने कहा इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बस। वो कहता कौन से। हमने कहा अच्छे या बुरे। कहता यार खुदा का खौफ करो, इसकी भी तुम फीस चार्ज करोगे हमसे, ये तो मुझे भी पता है यार बंदे को पता है। हमने कहा ना जो बात हम बताने जा रहे हैं वो आपको नहीं पता। होगी तो वो क्या है, कहते कि ये भाई अच्छे और बुरे लोगों की निशानियां क्या होती हैं। तो कुछ तो मुझे पता है। मैंने कहा बाकी हम बताएंगे। उसके बाद आपको पता है कि अच्छे बुरे लोगों को डील कैसे करना है। वो कहते ये भी नहीं पता। मैंने कहा ये तो हम बताएंगे ना आपको। तो लिहाजा भाई थ्योरी एक्स एंड वाई कहती है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो दो तरह के हैं, अच्छे और बुरे। उसने कहा कि जो बुरे लोग हैं वो एक्स होते हैं। आप सबको पता है एक्स हमेशा बुरा ही होता है। तो लिहाजा बुरे लोगों को उसने कहा कि एक्स होते हैं, अच्छे लोगों को उसने कहा कि वाई होते हैं। वाई मतलब अच्छे लोग जिंदा ही क्यों, वाई तुम्हारा इस दुनिया में काम ही क्या। बार थ्योरी एक्स वाई कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। बुरे लोग जो होते हैं बेटा उनकी क्या निशानी होती है कि वो काम को अवॉइड करते हैं। मतलब उनकी कोशिश होती है कि भैया जी मिले ही ना काम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, उनके अंदर कोई एम्बिशियस होती ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी बात है, वैसे लोगों को कैसे चलाएं। हमने कहा जी ऐसे लोगों से काम निकलवाने का एक ही तरीका है। तो क्या, हमने कहा जबरदस्ती करो, धमकी दो उन्हें, उन्हें कहो कि भाई काम करता है ठीक है मैं ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दूंगा। तो अच्छी बात है। हमने कहा जो दूसरे अच्छे लोग होते हैं ना वो कौन लोग होते हैं। हमने कहा जी ये वो लोग होते हैं जिनके लिए काम ऐसे होता है जैसे वो खेल खेल रहे हैं, अगर जिस तरह नॉर्मल हम खेल खेलते हैं वो काम को ऐसे ही समझते हैं। वो खुद भाग भाग के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमें काम दो मुझे काम दो मैंने करना है, काम किधर है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो नए नए आइडियाज लेके आते हैं। इन लोगों की कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत स्ट्रांग होती है, ये खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढते रहते हैं। और इन लोगों के लिए सबसे बड़ी मेन चीज होती है वो रिवार्ड होती है। अगर आप इनको रिवार्ड देते रहो तो ये लोग बहुत खुश रहते हैं। और नॉर्मली जो अच्छे लोग होते हैं आप इनको पूरी तरह यूज कर ही नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन में, इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, आप जितना भी यूज करें कम ही होता है। तो लिहाजा इनको ज्यादा से ज्यादा इनको रगड़ा लगाए, यही होता ना बच्चे कि जितना जो बंदा अच्छा होता है उसको उतना ज्यादा रगड़ा लगता है। तो लिहाजा दो तरह के टाइप्स होती हैं लोगों की इस दुनिया में, अच्छे और बुरे। बुरों को हम एक्स कहते हैं, एक्स जो है वो हमारी नजरों में हमेशा बुरा ही रहता है क्योंकि वो एक्स हो चुका है। वाई जो है वो अच्छे लोग हैं, क्यों वाई जो है, अब तुम मौजूद क्यों हो, क्यों मौजूद हो, अच्छे लोगों का काम क्या है भाई इस दुनिया में, और वो भी सीए में भाई। तो लिहाजा बुरे लोग कौन से हैं जो काम करना पसंद ही नहीं करते, उनकी कोशिश होती है काम ना ही मिले अच्छा है, वो जितनी जान छुड़ा के रखो अच्छा है। मिसाल के तौर पे हमारा एक कुलीग हुआ करता था, तो वहां पे हॉस्टल में जब होते थे ना खाना खुद बनाते होते थे, तो प्याज काटना सबसे मुश्किल काम होता है, आंसू आंसू आ जाती है वो। तो ज्यादातर मैं खुद ही प्याज काटा करता था, कोई और काटता नहीं था, तो मैं खुद ही काट लेता था। मेरी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग थी 14-15 साल घर से बाहर रहा, तो ये सारे काम सीख गया था, तो प्याज वगैरह मैं खुद काटता था। एक दिन मैंने एक लड़के को कहा, दोस्त था वो भी, यार तुम प्याज काटो, वो प्याज काट रहा है तो वो रो रहा है, साथ में एक और लड़का खड़ा है उसे कहता है कि यार मोटे 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 प्याज काट। कहता क्यों, कहता यार वो खुद ही आके ब्रीक करेगा तो तुझे काटने को देगा ही, मतलब ऐसे काम करो कि अगला कहे कि भाई तू रहने दे मैं खुद ही कर लें।
तब मुझे उस दिन पता चल गया कि ये बंदा मेरे साथ सियासत खेलता है। उसके बाद मैं हमेशा उसे प्यास देता था कि भाई तू काट, चाहे तू मोटे काट, बाद में ब्रीक कर लूंगा, लेकिन काटने तुझे। तो भाई ये बुरे लोग होते हैं जो काम को पसंद ही नहीं करते, अवॉइड करते हैं कि भाई ना ही मिले तो अच्छा, जान छुट्टी रहे। ऐसे लोगों से जबरदस्ती काम निकलवाना पड़ता है। समझ आ गई बात बेटा दोनों की? जी सर समझ आ गई। चले तो ये क्या कहते हैं, अब मसला एक और है यहाँ पे, एक और मसला है कि ये जो थ्योरी एक्स वाई वाला बंदा था, इसकी फुफो थी। अब जाहिर बात है इसकी थ्योरी बड़ी फेमस हुई, मशहूर हुई। फुफो ने कहा कि इसका भाई ये बंदा मशहूर हो रहा है, कुछ ना कुछ कीड़े निकालने चाहिए। तो उसने अपने बेटे को लगा दिया इसके पीछे और कहती है कि भाई इसकी थ्योरी में से कीड़े निकालो। इसका बेटा आ गया, कहता है यार क्या बात है, दुनिया में 100 तरह के लोग होते, इसने सिर्फ 2 एक्सट्रीम ही बता दिए हमें कि भाई अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। मतलब ये शख्स सिर्फ हमें 2 एक्सट्रीम ही बता रहा, फसाद ही मचा रहा है ना भाई, है कीड़े तो निकाल रहे हैं ना वो, है ना। एक शख्स क्या करता है, पेंटिंग बनाता है और चौक में रख देता है और कहता है कि भाई जिसको इसमें गलती नजर आए ना उसे हाईलाइट कर दे। तो अगले दिन जब वो आके देखता है तो भाई सारा हाईलाइट हुई खड़ी होती है पेंटिंग हर जगह पे, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। वही बंदा क्या करता है, अगले दिन फिर से वही पेंटिंग बनाता है और उसके ऊपर लिख देता है कि जहाँ पे गलती है उसको दुरुस्त कर दे। किसी का, हर किसी को मौत पड़ जाती है, शाम तक कोई निशान नहीं होता पेंटिंग के ऊपर। तो लिहाजा ये ऐसी ही कौम है, तो फुफो का काम यही होता है। तो लिहाजा उसने कहा अपने बच्चे को कि जाओ और इसकी थ्योरी में से कीड़े निकालो। फुफो का बेटा आया और कहता है कि भाई क्या है यार, सिर्फ एक्सट्रीम ही बता दी तुमने कि अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि यार हाँ एक मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज दे देता हूँ कि कम से कम तुमने उन 2 लोगों को तो रिफाइन किया ना, किसी और ने तो वो 2 भी नहीं बताए। तो लिहाजा एडवांटेज क्या है कि कम से कम ये 2 मेन टाइप बता के उनको हैंडल करने की टेक्निक तो बता रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये सिर्फ 2 ही बता रहा है, ये भी कोई बात हुई? तो बेटा मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है कि मेरे लेक्चर फुफो की पहुंच से दूर रखें और हालात ज्यादा खराब हो ना तो घर से भाग जाएं, फौरन भाग जाएं। लिहाजा मेरे जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, एक दीवार छोड़ के मेरी फुफो का घर है, तो मैं इसलिए थोड़ा आहिस्ता ही बोल रहा हूँ कि वहां तक आवाज ना चली जाए, नहीं तो शाम को मुझे घर में रोटी नहीं लगनी। बच्चे समझ आई बेटा आपको थ्योरी एक्स वाई क्लियर? मकसूद? यस सर आ गई। ओके, और सिबा आवाज आ रही है बच्चे आपको? यस सर क्लियर है। चलो जी गुड हो गया। तो लिहाजा 3 थ्योरीज हमने पढ़ी बेटा। अब हर थ्योरी का मैंने आपको बताया कि की पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि वो थ्योरी उसी नाम से थे जो आपको याद है। मतलब जिस तरह ये फ्यूल की थ्योरी है तो ये 3-4 नामों से वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। वो कह सकता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बताओ, वो कह सकता है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ, वो कहता है कि फ्यूल 14 प्रिंसिपल बता दो, वो कह सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट बता दो। तो लिहाजा ये तमाम पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और इसी से ही आपने हाईलाइट करना होगा कि ये क्वेश्चन है किसका, किस टॉपिक का है। एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता ये थ्योरी कौन सी है, कौन से राइटर की है, ये क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये की पॉइंट्स हैं बेटा, जो हेडिंग्स होती हैं इनको याद रखना, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड मस्ट होता है क्वेश्चन के अंदर जिसको आपने फॉलो करना होता है। क्लियर है बच्चे? ओके जी सर क्लियर है। कल की आपकी असाइनमेंट नोट करें, शाबाश जल्दी से सब बच्चे कल हम इसे डिस्कस करेंगे। ये कौन सा था, ये नहीं, ये हम नहीं करेंगे पहले। क्वेश्चन 2 स्क्रीनशॉट ले सब, शाबाश। और क्या कहते हैं शुएब बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दो। ये थ्योरी, ये क्वेश्चन आपने सोच समझ के इसको सॉल्व करके आना है। सॉल्व करके आपने करना क्या है, तस्वीर लेके मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, कल हम इसे क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई क्वेश्चन होता कैसे है। मैं पहले ये क्लियर कर चुका हूँ कि बेटा बीएम का क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं आना, वो आपसे बुक नहीं पूछेगा। 100 पेजेस के नोट्स हैं भाई, वो क्या पूछे आप इसमें, और वो भी 50 बार टेस्ट हो चुका है, हर टॉपिक टेस्ट हो चुका है। तो लिहाजा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहे हैं इस बार, तो बुक में से कुछ नहीं होना। मेन चीज क्या होनी है कि जो आप आंसर दे रहे हो क्या आप उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो, आपकी कॉमन सेंस जो है ना वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को अपनी कॉमन सेंस सामने रख के बेहतर तरीके से आंसर देने की कोशिश करनी है। कल हम इंशाल्लाह इसका आंसर भी देखेंगे और साथ में इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। कल हम अपना चैप्टर 1 इंशाल्लाह खत्म भी कर देंगे। ठीक है बच्चे।
ठीक है सर। ओके बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।